ताकि मैं समझ सकती हूँ ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें इंसान को या तो झुक जाना चाहिए या दूसरों की बात सुन लेनी चाहिए बट ये तो अच्छा ट्रेंड है एक्सेप्ट मी हाँ नीलन तुमने सही कहा मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि ना एटीट्यूड कोई चेंज कर सकता है ना पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है जी मैम पॉसिबल है कि, मतलब ये होता है कि एटीट्यूड चेंज नहीं हो सकता एक्सेप्ट करना ही है वे ऑफ पर्सन इज या कोई चांसेस है कि इंसान बदल हाँ, सकता है से कोई कुछ भी हो जाए मैं नहीं चेंज होने वाला <laughs> नहीं साजिद इट इज वेरी मच पॉसिबल टू चेंज एटीट्यूड्स एंड टू चेंज पर्सनलिटीज ये काफी मुमकिन है थोड़ी सी मेहनत लगती है थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है बट इट इज क्वाइट पॉसिबल टू चेंज एटीट एंड चेंज पर्सनैलिटीज और बहुत आसान होता है अगर हम राइट right एटीट्यूड और राइट right, uh, चीजें uh, शुरू से बचपन से लेकर शुरू करें तो ओके okay. तो पॉसिबिलिटी है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल या तो इंसान यही सोच लेता हमेशा कि नहीं अब ना मैं चेंज होंगे और ना ही कोई मुझे कर सकता है नहीं और अगर ऐसा बोल बिल्कुल तो नहीं हैं। भी मान जाता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि मैंने तो ये भी देखा है लोगों को कहते हुए कि ये ऐसा है इसका बाप भी वैसे ही था इसकी फैमिली में सब लोग ऐसे ही है तो ये ऐसे ही रहेगा ये चेंज नहीं हो सकते okay. तो ये बिल्कुल गलत बात है जीन्स डू मेक अ डिफरेंस थोड़ा सा असर होता है जीन्स का मगर ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बदल नहीं सकते बहुत आसानी से और कोशिश से जरूर बदल सकते हैं पर मैम एक बहुत फेमस टर्म भी है जैसा फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट तो दोनों में कोई फर्क नजर आता है कोई कोई बोलते हैं कि जो फिक्स्ड माइंडसेट है उनको चेंज करना उनको बदलना बहुत ही मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है मतलब जो उन्होंने एक बार फैसला ले लिया वो ले चाहे लिया। गलत हो चाहे सही हो अब मानना ही है नहीं साजिद ये दो टर्म्स बहुत फेमस हैं और अच्छी हैं और कॉमनली यूज हो रही हैं आजकल मगर आपका कहना गलत है कि जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं वो लोग चेंज नहीं हो सकते

कि हर चीज आपके लिए बस खत्म है फॉर hmm. एग्जाम्पल ये मैं नहीं कर सकता दिस इज कॉल्ड फिक्स माइंड सेट ओके मैं कोशिश करता हूं इनशाला मुझसे जरूर होगा दिस इज ग्रोथ पॉजिटिव ओके समझ okay. रहे हो hmm. अगर मैं कहूँ कि ये चीज आ, ये चीज बहुत मुश्किल है मैंने बहुत कोशिश करी है ये नहीं होती छोड़ दो अब hmm. नहीं होगा मुझसे मैं और नहीं पीछे give भाग गिव अप कर देना किसी चीज दिस इज कॉल्ड अ फिक्स माइंड सेट Hmm. नहीं मैं कोई नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करूंगी आई एम श्योर इसका कोई हल होगा ढूंढती हूँ okay. हाँ, तो जिंदगी को इस तरह से देखना कि जिंदगी के चैलेंजेस के ऊपर अप कर देना रास्तों को खत्म समझना एक डिप्रेसिव एटीट्यूड लेना नेगेटिव स्टेटमेंट सोचना या एक फिक्स्ड एटीट्यूड रखना के ये हो ही नहीं सकता ये मैं कर ही नहीं सकती ये चेंज हो ही नहीं सकता इसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और हाँ हम कोशिश करेंगे ये हो सकता है अल्लाह मदद करने वाला है नए रास्ते खुलेंगे मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकती, सकती हूँ ये वाला एटीट्यूड रखना जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना फेलियर के ऊपर मायूस ना होना फेलियर को एक लेसन समझना जी. ये वाला जो एटीट्यूड होता है इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट जी और आजकल कंपनीज में स्कूल्स में कॉलेजेस में हर जगह हम इस चीज की बहुत एजुकेशन uh, दे रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट और ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट सेट के ऊपर हम बहुत बच्चों को स्टूडेंट्स को कंपनीज में एम्प्लॉइज को हम encourage कर रहे हैं क्योंकि अगर लोग अपना माइंड सेट चेंज कर दें अपने सोचने का एटीट्यूड और तरीका चेंज कर दें तो कंपनी को फायदा होता है स्कूल को फायदा होता है स्टूडेंट्स को फायदा होता है सबको फायदा होता personally है जी पर्सनली भी तो फायदा होता है ना ताकि लोग पसंद करते हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल और आपके थोड़े से एटीट्यूड चेंज करने से आपकी जिंदगी में बहुत फर्क आ सकता है मैम uh, जहां हम बात कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट माइंडसेट की की यानी एक पॉजिटिव तो ये जानना भी जरूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट क्या यही है कि हर बार जब आप बात करें सो यू द राइट थिंग्स या आप भी कुछ गलती कर सकते हैं या कुछ एटीट्यूड होता है जो डेवलप करना होता है ग्रोथ, ग्रोथ देखिए नीलम कोई भी चीज इमीडिएटली नहीं हो सकती True. कोई भी चीज बगैर मेहनत के नहीं हो सकती तो उसके लिए ऑफकोर्स यू नीड अ प्लान अप्रोच ओके यू नीड टू से राइट स्टेटमेंट्स यू नीड टू हैव द राइट एक्टिविटीज़ या राइट right, uh, क्या कहना चाहिए uh, सही एग्जाम्पल्स यूज़ करने चाहिए घर पर बच्चों के साथ तो आप आसानी से एटीट्यूड्स uh, को चेंज कर सकते हैं और अगर उसको रिपीट uh, करें प्रैक्टिस करें किसी भी चीज़ को कोई नई सोच को प्रैक्टिस करें मतलब जैसे फॉर एक्जाम्पल आज हमने कहा कि नई मुझे टेबल्स याद नहीं हो रही मैंने कहा नहीं कोशिश करो रोजाना रिपीट करो दस दिन करके देखो देखेंगे याद होती हैं कि नहीं mm. याद होती तो अगर आपने चार पांच दिन की उसके बाद आपने कहा कि नहीं ये तो मुझसे नहीं हो रहा मैं छोड़ देती हूँ तो ये इट्स नॉट गोल्स तो जब तक आप किसी एटीट्यूड को भी प्रैक्टिस नहीं करते

कुछ तो है जो मिस कर रही, रही हूं हुँ. मैं ताकि मैं इसको बड़ा बेहतर कर सकू एक सेकेंड दिस इज टू हार्ड मैं ये हाँ. नहीं कर सकती इंस्टेड ऑफ सेइंग यू कैन से आई जस्ट नीड मोर टाइम एंड आई नीड टू पुट इन अ लिटिल मोर एफर्ट ठीक है अगर आप कहें कि चुप रहो uh, बच्चों से आप कह रही हैं कि चुप रहो बी क्वाइट बहुत बहुत शोर करते हो तो दिस इज अगेटिव एटीट्यूड यू कैन से कैन यू ट्राई टू क्वाइट एंड डाउन आप बच्चों से कहें परेशान मत करो कैसे कर रहे हो ये किस तरह उठाया पॉजिटिव थिंग एंड सेन यू ट्राई बी जेंटल कैन यू ट्राई कैन यू ट्राई एन हेल्प मी कैन यू सी दट आई एम हैड एक सो यू चेंज दीज थिंग्स इन टू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इसी तरह तुम इनसे कहो कि मैं ये नहीं कर सकती आई कांट डू मैथ नीड टू प्रैक्टिस मोर आई जस्ट नीड आई एम श्योर आई कैन डू इट आई एम श्योर आई कैन अचीव दिस इफ यू से आई मेड अ मिस्टेक ठीक है मुझसे गलती हो गई आई मेड अ मिस्टेक अब मैं क्या करूं तो इंस्टेड ऑफ संग आई मेड अ मिस्टेक यू सेवरी वन मेक्स मिस्टेक्स

अच्छा द चैलेंज ठीक है जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसे करने की कोशिश भी करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आम सी मिसाल दू स्कूल्स की क्योंकि मैं टीचर हूं तो ईजिली right. मुझे ध्यान हाँ. में आ रही है कि जैसे अगर हम कहें कि तुमको ये वर्कशॉप करना है ये वर्कशॉप कौन करेगा तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं के, सोचते हैं कि इसमें इतना काम है ये करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इतना झमेला मुझसे नहीं होता छोड़ो पहले से ही है, पहले से ही रेडी नहीं होते, okay, नहीं होते। जी, जी। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ वर्कशॉप करनी है चलो करके देखेंगे प्लानिंग hmm. कर लेते हैं इसकी प्लानिंग करेंगे जी. करेंगे हेल्प मिल जाएगी मैम भी हेल्प करेंगे चलो हो जाएगा करेंगे सो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं फिक्स्ड okay. माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड okay. करते हैं फिक्स माइंड मतलब ठीक okay. है जब आप मुश्किल देखते हैं तो फिक्सड माइंड सेट वाले लोग जो होते okay. हैं वो इजिली अप कर देते हैं hmm. right. जो ग्रोथ माइंड सेट वाले लोग होते हैं वो परस्यू करते रहते हैं कोशिश okay. है ना हैं। hmm. फिर जो फिक्स माइंड सेट वाले लोग होते हैं वो मेहनत एफर्ट जो है वो कम करते हैं ओके okay. और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं अच्छा तो एटीट्यूड क्योंकि मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिल सकता तो जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो मेहनत करना आ, उनको बार लगता है जैसे अच्छा। बहुत बड़ा लगता है मगर हाँ। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो दे कीप ट्राइंग दे कीप डूइंग अदर थिंग्स ये खराब हो गया अब ये नहीं कि खराब हो गया तो मैंने छोड़ दिया खराब हो गया तो मैं उसे फिर से करूंगी मेरे पास सिर्फ दो घंटे बचे हैं करने के लिए नहीं कर सकते नहीं नहीं यार कर लेंगे तो दिस एटीट्यूड इज ग्रोथ माइंडसेट ओके ठीक है जी जब हम जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं अगर तुम उनसे कहो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ नीलम ये जो आपने बात कही थी ना ये आ, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए जी. था अगर आप ये कहती तो ज्यादा अच्छा लगता तो अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट होगा तो आप बोलेंगे ये कौन होती है मुझे बोलने वाली Hmm. इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिधर देखो अपनी टांग हड़ाती रहती है hmm. तो दिस इज फिक्स, फिक्स mindset. Mindset. Okay. मगर अगर, अगर आप ये सोचें कि अच्छा उन्होंने मेरी बेहतरी के लिए कहा, कहा होगा मैं ट्राई करके देखती हूँ आई शुड चेंज थोड़ा I सोचते I, हैं। थोड़ा सोचते हैं इस बारे में चलो नेक्स्ट टाइम में जो ये कह रही है वो करके देखने ध्यान रखूंगी

तो यू हैव की सक्सेस को देखते हैं ना तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो जब हम दूसरों की कामयाबी देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता वो थ्रेटन फील करते हैं यार उसको देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई हम अभी तक यहीं अटके हुए हैं ये जो होती है ना ये फिक्स्ड माइंडसेट वाली सोच सोच है, है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो जो लोग कामयाबी पे जाते हैं तो वो उन लोगों से इंस्पायर होते, होते हैं ओके okay. तो हम सोचते हैं कि वाओ दैट इज फैंटास्टिक लुक एट हर ये कहां से कहां पहुंच गई दैट्स सो इंस्पायरिंग ये कर सकती है तो क्या मैं कर, कर सकती एग्जैक्टली यू नो सो इसे पूछेंगे बात करेंगे कि आपा ये कैसे हुआ आप यहाँ तक कैसे पहुंची मुझे आपकी तरह बनना है। मैं आपकी तरह करने की कोशिश करूंगी तो आपने ये कहां से किया आपने वो कहाँ से किया आपने किससे मदद ली थी आपने यू नो सो यू ट्राई टू ग्रो यू ट्राई टू लर्न यू ट्राई टू गेट की कोशिश करते कैसे नहीं नहीं किया है? तो जो फिक्स okay. माइंड वाले लोग होते हैं वो जलते हैं थोड़ा थ्रेट फील करते हैं सारी चीजें जो है वो अपने ऊपर ले लेते right. हैं अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो इंस्पायर होते हैं सीखने की कोशिश करते ये हैं ये सारी चीजें हम बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं क्या absolutely, इतनी सारी चीजें बड़ी सोलूटली सोल्यूटली आप बच्चों के साथ इंस्पायर आप बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं जैसे जब आपके बच्चे आपसे कहें कि ये मुझसे नहीं हो रहा ये बहुत मुश्किल है तो आप उनको

उसमें तो आपको हैरत होगी नीलम क्लासरूम में सिर्फ कांच की चीजें होती है जी और ढाई साल के बच्चों को हम कांच की चीजें ले, उठाना लेना पकड़ना इस्तेमाल करना और वापस रखना सिखाते हैं okay. और बहुत रेयर होता है कि क्लासरूम में कोई एक्सीडेंट हो oh. ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हम बच्चों को ट्रस्ट करें कि कि वो ये नहीं करेंगे क्यों करेंगे right. भाई तुमने पहले से सोच लिया कि वो गिराएगा तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमें अपनी hmm. सोच बदलने की जरूरत है okay. साजिद जी, अगर हम बहुत. इन छोटी छोटी चीजों में अपनी सोच बदल लें तो हम बच्चों के अंदर एक बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम रख सकते हैं इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया hmm. मैम ने बच्चों का ताकि अक्सर हम यही करते हैं और शायद अपने माइंडसेट को इम्पोज कर देते हैं बच्चों पर तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम जहाँ माइंडसेट्स की बात कर रहे हैं वहीं ह्यूमन इमोशंस भी एक चीज होती वो है वो बहुत बहुत जरूरी जरूरी है बहुत हाँ। जरूरी होता है होता तो क्या हमारा माइंडसेट कभी कभी हमारे इमोशंस के हिसाब से चेंज होता है बिल्कुल बहुत और हमेशा कनेक्टेड ही होता है नीलम छोटे बच्चों का जहां से है फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जैसे खौफ ठीक है अंधेरे का खौफ शेडोज का खौफ तो मेरी बेटी जैसे बहुत डरती थी अंधेरों से ठीक है तो हम लोगों ने एक दिन क्या किया हम लोगों ने उसको गोद में बिठाया वो पकड़ के बैठा उसने मुझे क्योंकि उसको डर लग रहा था और हम लोगों ने उसे शेडोज दिखाना शुरू करे लाइट के साथ के जब लाइट आती है तो देखो ये कैसे शेडो बन रहा है ये देखो ये ऐसा लग रहा है चिड़िया बनाओ शेर बनाओ देखो ये बिल्ली की तरह लग रहा है ना अब तुम यहाँ से चूड़ी रखो और यहाँ से दुपट्टा रखो देखो ये क्या बन गया तो वी टॉक्ट अबाउट लाइट एंड शेडो हमने उसे चीज़ें दिखाई हमने उसे उसका खौफ जो था शैडोज का वन शी सो खेल खेल में वन शी सो द साइंस बिहाइंड क्रिएटिंग शेडोज उसका खौफ निकल गया okay. तो योर इमोशंस एंड योर फियर्स मैं उस रूम में नहीं जाऊंगी वहाँ मुझे डर लगता है hmm. तो अगर आप कहें कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डर क्यों लगता है right. अगर हम देखेंगे हम आज डर को भगा देंगे तो जब आप सही एटीट्यूड लेकर उसको चीजें एक्सप्लेन करते हैं बच्चों के लिए तो वो आराम से सॉल्व हो जाती हैं अगर इसी चीज को आप उसकी कमजोरी दे, बना दें इसी चीज को आप उसकी परेशानी बना दें या बार बार कहें दूसरे लोगों से कि नहीं नहीं ये अंधेरों से डरती है इसे अकेले ना छोड़ना ये अंधेरे से डरती है तो आपने उसके दिमाग में जो बात थी उसको और रीनोर्स कर दिया आपने पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया कि ये अंधेरे से डरती है। फिर हम बड़े होकर भी यही सोचते हैं कि भाई कहीं जाना नहीं मैं अंधेरे से डरती हूँ कहीं मुझे कहीं छोड़ना नहीं मैं अंधेरे से डरती हूँ या एक और मिसाल के बात पे मैंने कई माओ को देखा है वो कहते हैं कि भाई हमारी बेटी जो है वो रात को अकेली नहीं रह सकती अब वो चाहे बड़ी हो जाए दो बच्चों की अम्मा हो जाए वो रात को अकेली नहीं रह सकती <laughs> कभी रही नहीं कभी रही नहीं तो ये चीजें जो है, ये हम अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं हालांकि इनका हमारे खौफ से हमारे वजूद से इनका कोई लॉजिक नहीं होता एक और है मसलन छिपकली से डरना कॉकरोच से डरना है ना छिपकली स्पाइडर से डरना फोबियाज अपनी जगह हैं मैं मानती हूँ कि थोड़े लोगों को फोबियाज होते हैं मगर फोबियाज को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, कर सकते हैं। okay. तो जैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं इनको जितना हम अपने वजूद में फिक्स करें जितना हम इनको बाइंड करें ये और बढ़ती जाएंगी अः क्या कहना चाहिए ये और ग्लू की तरह फिक्स होती, होती, होती जाएंगी यानी मजबूत, मजबूत बनाती जाएंगी जड़ी बनाती जाएंगी और जितना हम इन्हें ओवरकम करने की कोशिश करें

तो so, हम आपको ये कहना चाहेंगे यू कैन डू इट यू विल डू इट एंड यू मस्ट डू इट राइट साजिद ऑफ कोर्स वक्त के हिसाब से सब इंसान बदलते हैं अपने फायदे के लिए इंसान बदलते हैं एटीट्यूड बदलना एटीट्यूड क्यों नहीं बदल सकता एंड राइट एटीट्यूड एंड ग्रोथ माइंडसेट एटीट्यूड शुड बी एवरीवनस गोल ओके लोग जो यह कहते हैं कि मैं नहीं बदल सकता तुमको बदलना है बदलो तो शायद यह चेंज होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से अपने एटीट्यूड को बदलना चाहिए जरूरी, जरूरी है और इन ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारा दिमाग है उस पर भी हम कंट्रोल करेंगे ताकि हम अपने को ग्रोथ की तरफ ले जा सके मैम थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती वक्त दिया थैंक यू साजिद बहुत बहुत शुक्रिया नीलम बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपने welcome. बहुत अच्छी बातें बताई सीरियसली मोस्ट वेलकम थैंक यू साजिद व्यूवर्स आपसे ये कहना चाहेंगे कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना ग्रोथ माइंडसेट रखना ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान दें या देखें तो आप कैसे लोगों से अपने आप को सराउंड करना चाहते हैं उन लोगों से जो अच्छी बातें करें अच्छा सोचें जो आपको अच्छा बोलें तो उसी तरह आपको इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ आप अपने आप को उन लोगों से सराउंड ना करें बल्कि उनमें से एक बने ताकि वो लोग जो दूसरों की बातें सुनते हैं उनकी बातों को अहमियत देते हैं पॉजिटिव सोचते हैं ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में कामयाब बनते हैं तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे द की टू सक्सेस इज़ ऑल्सो योर माइंड तो अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए हेल्दी रहिए और देखते रहिए चैनल वन